लोग कहते हैं जय श्री राम, हम लोग कहते हैं सीताराम, फर्क बस इतना है। ऐसी भाषा का प्रयोग गृह मंत्री को अच्छा लगता है? आने वाले समय में भी नीतीश जी पूरी तरह से बिहार में गंगा जमनी संस्कृति को महफूज रखें। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। वहीं आज बजट सत्र के दौरान सासाराम और नालंदा में जो दंगे हुए उसे लेकर मामला उठाया गया। वहीं इस मामले को लेकर खूब हंगामा देखने के लिए मिला। वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी जारी है। तो वहीं आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कल नवादा जिले में था। इस दौरान खुले मन से अमित शाह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो भी दंगाई होंगे उसे उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। वहीं जब ये सवाल अशोक चौधरी से पूछा गया तब उन्होंने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि एक गृह मंत्री को क्या इस तरह का बयान शोभा देता है। इसके साथ ही अशोक चौधरी से जब सवाल किया गया कि आखिर इस दंगे के पीछे क्या कुछ उनका कहना है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले में लगातार जांच प्रक्रिया जारी है, कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहे अशोक चौधरी, पहले वो सुन ले। इन चीजों में इन्वॉल्व है जिन लोगों पर, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है समाज में। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी रहती तो हिंदुस्तान के जेलों में इतने लोग कैसे रहते। तो जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, जो लोग चाहते हैं कि परिस्थितिवश हम कुछ न कुछ उदंडता करके और इसका फायदा उठाएं, वैसे लोग समाज में हैं और वैसे लोग करते हैं। उनको उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि सरकार आएगी 25 में तो उल्टा टांग सीधा करेंगे। सोचिए, ऐसी भाषा का प्रयोग गृह मंत्री को अच्छा लगता है? ऐसी भाषा का प्रयोग गृह मंत्री को अच्छा लगता है? सरकार का जो काम है, सरकार पूरी तरह से इन 17 वर्षों में नीतीश जी ने बिहार को पूरी तरह से महफूज रखा है और आने वाले समय में भी नीतीश जी पूरी तरह से बिहार में गंगा जमनी संस्कृति को महफूज रखेंगे। आप लोग आरोप लगाया कि कई सांसद तो ऐसे भी हम लोग के पास भी बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो इसको चिल्लाने से क्या फ़ायदा है। जो संपर्क में लोग हैं, आप समय पर आएगा, काम कीजिएगा, हमारा टाइम आएगा हम भी करेंगे, आपका टाइम आएगा आप भी कीजिएगा, इसमें बताने का और बोलने का क्या जरूरत है। ये सब गलत बात है। जितना वो लोग जय श्री राम करते हैं, हम लोग सीताराम करते हैं, फर्क इतना ही है। उनका राम, हाँ उनका उनका राम का कहने का मतलब है जय श्री राम, और क्योंकि सीता मैया बिहार की हैं और उनकी पैदाइश बिहार में, इसलिए हम लोग कहते हैं सीताराम। पर कितना ही बिहार में चलने वाला नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने छोड़ दिया। एक तो ये था कि 24-25 में जिताइए, जो भी दंगा करेंगे उनको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। और दूसरा ये था, उनका कहना था कि 24 के बाद, 24 लोकसभा चुनाव के बाद सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी बीजेपी, ये बिहार में जो सरकार है। ये सब इस तरह की भाषा का प्रयोग 15 में भी किए हैं, हमेशा वो लोग करते रहे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नई बात कह के गए। वो लोग कहते हैं जय श्री राम, हम लोग कहते हैं सीताराम, फर्क बस इतना है। तो आपने अशोक चौधरी का वो बयान सुना जिसमें एक तरफ जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर और करारा हमला बोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाहवाही भी की। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि 17 वर्षों से बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन काल में पूरी तरह से महफूज है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नालंदा और सासाराम में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसे लेकर आखिर कौन दोषी सामने आते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।